बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, हम होम्योस्टेसिस पढ़ रहे थे, आज हमने किडनी के प्रॉब्लम जो हैं वो स्टडी करने हैं। चले मैं उसको शुरू करने लगा हूं। देखें, सबसे मेजर जो किडनी का इशू होता है बेटा, वो किडनी के स्टोन होते हैं। अब कुछ केमिकल्स हैं जो कि हमारे ब्लड में एक्सीड करते हैं, वो बढ़ जाते हैं, उनके बढ़ने से फिर ये जो है ये स्टोन बनने के चांसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं। देखें मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले जो है ना, यहां पे लिखा हुआ है हाइपर कैलिसीमिया। देखो बेटा, ये इंक्रीज इन कैल्शियम आयन होता है। जब कैल्शियम आयन ब्लड में इंक्रीज होगा, किसमें? ब्लड में इंक्रीज होता है तो फिर उसके स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। ये फूड का इश्यू नहीं होता, ये मोस्टली हार्मोन्स का इश्यू होता है। ये हार्मोन्स का इश्यू होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह एक और प्रॉब्लम होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो है ऑक्सलेट्स की स्टोन्स। ये फूड का इशू है, ठीक है ना। ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, और बेटा जो टमाटोज होते हैं आप जानते हो, ये उनसे इशू ये होता है। वो जो ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, ब्लड में ऑक्सलेट का लेवल बढ़ जाता है और ये फिर किडनी पार्ट्स के अंदर, किडनी के अंदर जो है बेटा ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, ठीक है ना। ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और इनके जो है बेटा वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे स्टोन के, क्योंकि स्टोन का साइज जो है बेटा वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से जो नेफ्रॉन के जो पार्ट होते हैं या जो किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं वो नैरो होती हैं, वहां से ये गुजर नहीं पाएगा, ठीक है ना। वहां से ये पास आउट नहीं होगा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा तो फिर ये उस एरिया में पेन होगा, और जो कि पेशेंट को बहुत ज्यादा जो है वो उसमें जो है बेटा वो पेन महसूस होता है। फिर आगे चल के मैं और बातें भी बताता हूं। देखिए, केमिकल नेचर क्या होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बेटा ये कैल्शियम नेचर के होते हैं, ये जो है बेटा ये ऑक्सलेट नेचर के होते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम फॉस्फेट नेचर के होते हैं और यूरिक एसिड नेचर के होते हैं। आपने इसके अंदर जो है बेटा वो इनकी परसेंटेज याद रखनी है। सिंपल ये एमसीक्यूज में आती है, यहां से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं बनते, लेकिन बहरहाल यहां से ये परसेंटेज से रिलेटेड जो है बेटा वो हो सकते हैं। यूरिक एसिड जो होता है ना, ये ज्यादातर जो प्रोटीन वाली गिजाएं होती है, प्रोटीन फूड होती है बेटा, उससे बनता है ज्यादातर। जैसे हमारे यहां जो है बेटा वो जो गोश्त होता है, जो मीट होता है, उससे जो है वो सबसे ज्यादा जो है बेटा वो, क्योंकि प्रोटीनियस फूड है, उससे सबसे ज्यादा यूरिक एसिड जो है वो डेवलप होता है। ब्लड में क्वांटिटी बढ़ती है तो फिर ही जो है बेटा वो किडनी के अंदर भी उसके प्रेसिपिटेट और क्रिस्टलाइज होने के चांसेस होते हैं और स्टोन फॉर्म के अंदर जो है ये बदल सकता है। अब खुदा ना खासा फर्ज कर लें अगर ये किसी को हो जाता तो फिर क्या करें, तो इसका क्या तरीकेकार है बेटा? स्टोन को रिमूव किया जाता है, डेफिनेटली रिमूव किया जाएगा। पहले कन्वेंशनली ये वर्क होता था कि पहले सर्जरी परफॉर्म करते थे। क्या परफॉर्म करते थे? सर्जरी करते थे। अब सर्जरी का इशू ये होता था कि सर्जरी में कट लगाते थे, फिजिकली जो है वो स्टोन को बाहर निकाला जाता था, तो जो है बेटा उस जख्म बनता था, जो जख्म को ठीक होने में कई कई हफ्ते और कई महीने लग जाते थे, और खासा पेनफुल टेक्निक जो है बेटा ये होती थी। लेकिन अब नया मेथड जो है वो हमारे पास आ चुका है, जिसके अंदर जो है बेटा कोई सर्जरी जो है वो परफॉर्म नहीं करनी पड़ती। उस मेथड को जो है बेटा वो आप कहते हो लिथोट्रिप्सी। क्या बोलोगे? लिथोट्रिप्सी कहते हो। ये नॉन सर्जिकल मेथड है, ठीक है ना। इसमें रेडिएशंस की मदद से, रेडिएशंस की मदद से जो है बेटा ये स्टोन को जो है वो निकाला जाता है। कैसे निकाला जाएगा मैं आपको समझाता हूं। देखें, लिथोट्रिप्सी में स्टोन को ब्रेक किया जाता है, ठीक है ना। अब वो स्टोन किसी भी पार्ट के अंदर हो, किडनी में भी हो सकता है, यूरिटर में भी हो सकता है, ब्लेडर में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये जो लिथोट्रिप्सी है ना, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव इसमें यूज होती है। अब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है आउटसाइड द स्किन, आउटसाइड द स्किन, स्किन के बाहर जो है शॉक वेव देते हैं। अब दो तरह की वेव्स इस्तेमाल होती है, यहां पर जरा गौर से देखिएगा, एक्सरे और अल्ट्रा साउंड वेव्स, ये दो तरह की वेव्स इस्तेमाल होते हैं। एक्स रेज यूज होती है टू फाइंड लोकेशन ऑफ स्टोन। बेटा बेसिकली एक्स रेज का काम होता है इसके अंदर कि ये लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, ताकि एग्जैक्ट जो है बेटा वो टारगेट किया जा सके स्टोन को, क्योंकि ये रेडिएशंस डेंजरस होती हैं। और अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है बेटा ये ब्रेक कर देती है
स्टोन को ब्रेक कर देंगी और वो सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि वाटर के थ्रू बॉडी से बाहर जो है बेटा वो निकल जाएगा। ये इस तरीके से ये इसके अंदर वर्क किया जाता है। देखें ये लिखा भी हुआ है, ये एक्सरेस और अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो इसमें इस्तेमाल होती है। चलिए आप ये देख रहे हो, ये पेशेंट को जो है बेटा इस तरीके से जो है रेडिएशन टकराई जाती है और ये स्टोन को जो है वो निकालने की कोशिश की जाती है। चल अब देख रहे हो ये मशीन जो है बेटा एक प्रिसाइज मेथड होता है। देखिए ना इस लेडी के हाथ में जो है बकायदा लोकेशन को पहले जो है बेटा वो फाइंड आउट करते हैं एग्जैक्ट। इसमें जो है बेटा बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो टारगेट हल्का फुल्का भी इधर उधर हो, क्योंकि बकायदा उसको देखा जाता है टारगेट को प्रिसाइज फॉर्म में जो है ये गन फॉर्म के अंदर जो है वो उसको रेडिएशन जो है वो उसके ऊपर स्ट्राइक की जाते हैं। अब यहां देखें ना यहां लिखा हुआ है कि एक्स रेज आर बेसिकली यूज टू फाइंड आउट द लोकेशन। ठीक है ना, ये एक्स रे बकायदा तौर पर इसके अंदर ये मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है। चल ये जो स्टोन टूटता है ये बेटा छोटे छोटे जरात में बदल जाएगा, फिर ये यूरिटर से जो है वो बाहर निकल जाता है अगर स्टोन किडनी में है तो। चल उसके बाद है अगला जो हमारा जो बेटा टॉपिक है वो है रीनल फेलवर। अब यहां पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने याद करना कि रीनल फेलवर क्या होता है। रीनल फेलवर जो है बेटा वो किडनी फेलवर को कहते हैं जिसके अंदर गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। अगर एक किडनी वर्क कर रही है दूसरी अगर वर्क नहीं कर रही तो इंसान जिंदा जरूर रह सकता है बट उसकी एक किडनी के ऊपर जो वर्किंग लोड है वो इंक्रीज हो जाएगा जिससे फिर इश्यूज आ सकते हैं। तो बहरहाल लेकिन वो एक किडनी से रह सकता है। अब रीनल फेलवर के जो है बेटा कुछ काजेज होते हैं पैथोलॉजिकल काज होते हैं कि बंदे को कोई बीमारी है, कोई डिजीज है जिसकी वजह से उसके गुर्दे अफेक्ट हो रहे हैं, या कोई केमिकल काज है। केमिकल काज में यही स्टोन हो सकता है या कोई पॉइजनिंग हो सकती है, कोई ऐसी दवाई कोई ऐसी ड्रग मरीज खा रहा है जो कि उसकी किडनी को डैमेज कर रही है, तो ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब इससे क्या होता है ना ग्लोमेरुलस की जो फिल्ट्रेशन होती है ना वो अफेक्ट हो जाती है जिससे यूरिया जो है ना यूरिया फिल्टर नहीं होता और यूरिया का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। इसका लेवल इंक्रीज होने से नाइट्रोजनस वेस्ट जब ब्लड के अंदर इकट्ठे होंगे तो उससे दो इश्यूज पैदा होना शुरू हो जाएंगे। यूरिया के इकट्ठे होने से किडनी से ही काम नहीं कर रही, यूरिया बॉडी से बाहर नहीं जा रहा और ये यूरिया ब्लड में इकट्ठा हो रहा है। इसके ब्लड में इकट्ठे होने से दो प्रॉब्लम होंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम, क्योंकि ये सैल्यूट है ये ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है एनीमिया, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है ये आरबीसी को डैमेज करना शुरू कर देगा और बंदे में खून की कमी होना शुरू हो जाएगी। किडनी फेलवर का बंदे में खून की कमी होना शुरू हो जाती है यूरिया के इंक्रीज होने की वजह से। ये दो प्रॉब्लम जो है बेटा वो उसके अंदर क्रिएट हो सकते हैं। चल किडनी फेलवर की जो ज्यादातर जो वजूहात होते हैं ना डिजीज में वो डायबिटिक मेलाइटिस की जो बीमारी है उनके अंदर किडनी को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है ग्लूकोज रिमूवल के अंदर, तो दैट्स व्हाई उनकी किडनी बहुत ज्यादा जो है वो चांसेस होता है कि उसको रीनल फेलवर हो सकता है। तो ये क्रॉनिक रीनल फेलवर भी होता है, क्रॉनिक जो लंबे अरसे से सिलसिला थोड़ा थोड़ा चल रहा होता है और फिर जो है एट द एंड किडनी जो है वो फेल हो जाती है। क्रॉनिक का वर्ड ना असल में मेडिकल में दो तरह की टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, एक होते हैं एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। अगर आप इसको देखें ना जो है सही माना में इसमें ऐसी बीमारी जो जिसके सिम्टम्स स्वेयर हो और वो लेस देन 6 मंथ के अंदर खत्म हो जाए। 9th की बुक में कुछ और लिखे लेकिन आप मेडिकल की रेफरेंस किताबें उठाए ना वहां यही लिखा हुआ है कि लेस देन 6 मंथ, और मोर देन 6 मंथ अगर कोई बीमारी रहती है ना, मोर देन 6 मंथ, तो इस बीमारी को जो है बेटा वो आप क्रोनिक का नाम दोगे। क्रोनिक लंबे अरसे तक प्रॉब्लम चल रहा है, डे बाय डे ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ जो है बेटा वो नेफ्रॉन है वो डैमेज हो रहा है और किडनी वर्किंग जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्रोनिक रीनल फेलवर कहलाया जाता है। लेकिन अगर किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर दे, बिल्कुल खत्म हो जाए, एंड स्टेज आ जाए, तो इसको जो है बेटा वो यूरिनिया कहा जाता है। ये एंड स्टेज होता है बिल्कुल कि मैक्सिमम वर्किंग अब बंद हो चुकी है, तो एंड स्टेज रीनल फेलवर आ जाएगा जिसको यूरिनिया का नाम देते हैं। अब अगर ये हो जाए तो परमानेंट इलाज तो ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट होगी, लेकिन टेम्परेरी इलाज ये है कि आप उस बंदे की डायलिसिस। डायलिसिस क्या होती है बेटे? डायलिसिस ये होती है क्लीनिंग ऑफ ब्लड, कि आर्टिफिशियली जो है वो हम ब्लड की जो है वो क्लीनिंग करते हैं आर्टिफिशियल वे में कि एक मशीन जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसको जिसके अंदर जो है वो ब्लड को डाला जाता है जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, उस डायलाइजिंग फ्लूइड की मदद से ब्लड को क्लीन किया जाता है। ये कैसे किया जाता है ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूं। देखें डायलिसिस दो तरह की होती है, एक होती है हीमोडायलिसिस।
वो डायलिसिस जो आउटसाइड दी बॉडी होती है ना, ये आउटसाइड दी बॉडी होती है और एक मशीन के अंदर होती है जिसको डायलाइजर कहा जाता है। इस डायलाइजर को ना इसी वजह से आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसने लाइक एन किडनी वर्क करना है। जैसे किडनी जो है वो ब्लड को क्लीन करती है, यूरिन बनाती है, इसी तरह ये वर्किंग करती है। अच्छा, अब ये किस तरीके से वर्किंग करती है ये बातें मैं आपको बताता हूं। ठीक है बच्चा, बड़ा कॉमन आस्किंग क्वेश्चन पूछता कि सर वेन से ब्लड निकाला जाता है कि आर्टरी से निकाला जाता है? तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं इसका मेथड बता दूं, फिर मैं इसकी बात की तरफ आता हूं। देखिए, एक ट्यूब लगाई जाती है, इस ट्यूब को कहा जाता है कैथेटर। कैथेटर ये जो है बेटा वो इसकी जो है वो आर्टरी में लगाई जाती है और यहां से ब्लड लिया जाता है। ये ब्लड इस डायलाइजिंग मशीन के अंदर आता है, वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर डायलाइजिंग फ्लूइड में रह जाएगा और साफ ब्लड निकलकर यहां वेन में आ जाएगा, वापस इस एक और कैथेटर के थ्रू वो वापस। ये इसका मेथड है। अब आ जाता हूं मैं उस सवाल की तरफ कि आर्टरी से लेंगे कि वेन से लेंगे। असल में होता ये है, क्योंकि ये जो किडनी फेलवर का जो मरीज होता है, इसमें डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है ये प्रोलोंग हो सकता है, कई साल भी चलता रहता है। तो बहरहाल तो डॉक्टर कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये सप्लाई जो ऑफ जो ब्लड लिया जाए, क्योंकि वो परमानेंट लेवल के ऊपर होगा, डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर ये चीज जो है बेटा वो रिक्वायर्ड हो सकती है। तो इसके लिए अब डॉक्टर क्या करता है कि एक ना एवी सबसे मशहूर मेथड है, जैसे तो दो तीन मेथड है, एक ग्राफ्टिंग मेथड भी है, लेकिन एवी फेस्टुला मेथड जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। ये क्या होता है, एवी फेस्टुला मेथड के अंदर डॉक्टर ये करता है कि एक आर्टरी, उसके जो यूजली आर्म्स की आर्टरी और उसकी वेन को आपस में जोड़ देता है, ठीक है ना। ये देखो यहां पर आप नोट करो, ये स्टंट की मदद से जोड़ी हुई है, ये जोड़ देता है। इसके जोड़ने का फायदा ये होता है कि इससे वेन्स का जो डाया होता है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का फ्लो इजी हो जाता है वहां पे, ठीक है ना। ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने में डॉक्टर को आसानी रहती है और ये सप्लाई कई महीनों तक जो है बेटा वो यूज हो सकती है इजीली, मतलब कंफर्टेबल वे में, कोई इतनी ज्यादा डॉक्टर को मुश्किल नहीं आती है डेवलप करने के बाद। लेकिन इसके लिए छोटी सी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, छोटी सी सर्जरी होती है, उस सर्जरी में ये चीजें जो है बेटा ये फेस्टुला जो है ये डेवलप किया जाता है इस एरिया के अंदर। इसको हीलिंग में तकरीबन 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं। तो अब जहन में सवाल आएगा कि 1 से 2 महीने अगर इसको बनाने में लगेंगे डॉक्टर को, तो उन दिनों में डायलिसिस कैसे होगी? तो उसके लिए वो अल्टरनेटिव मेथड यूज करता है। अल्टरनेटिव जो है बेटा वो आर्टरी इस्तेमाल करेगा, वो यूजली जो है वो आर्टरी और वेन जो है बेटा ये जो है ये इस्तेमाल होती है हमारे नेक के उन दिनों में। उसके जब वो जो है वो ये हीलिंग हो जाती है तो वो फिर इस एवी फेस्टुला की तरफ आ जाता है, आर्म की तरफ आ जाता है। तो ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये उसने ये फेस्टुला डेवलप कर लिया, आर्टरी और वेन को जोड़ा हुआ। अब वो ब्लड निकालेगा आर्टरी से, ऐसे ब्लड निकालेगा, ठीक है ना। ये ब्लड जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, ये देख रहे हो आप, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ब्लड जा रहा है। अब ये वेस्ट जो होता है ना, इससे निकलकर इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगे, सारे वेस्ट इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे। और ब्लड जो है बेटा वो क्लीन एंड नीट होके वो वेन के अंदर वापस चला जाएगा, ठीक हो गया, बकायदा तौर पर इसको कंट्रोल वे में। एक साइड से जो है बेटा वो फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड आ रहा होगा और एक साइड से यहां से फ्रेश आ रहा है और यहां से गंदा डायलाइजिंग फ्लूइड कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम निकाल भी रहे हैं। तो ये चीज जो होती है इसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। अब एक और डायलिसिस होती है, वो थोड़ा सा अल्टरनेटिव वे है, इतना ज्यादा यूज तो नहीं होता, खैर वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें इनसाइड द बॉडी डायलिसिस होती है, बॉडी से ब्लड बाहर नहीं निकाला जाता, डायलाइजिंग फ्लूइड पेट में डालते हैं। पेरिटोनियम जो है ना, पेरिटोनियम ये एब्डोमिनल कैविटी को कहते हैं, ये ना लिखा हुआ एब्डोमन में, एब्डोमन के अंदर होती है पेरिटोनियल कैविटी। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ये होता है कि फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड ये आप पेरिटोनियल कैविटी में डालते, तो यहां पर आपने ये डाल दिया। अब यहां पर जो बारीक खून की नालियां होती ना, बारीक जो खून की नालियां होती है, यहां से फिल्ट्रेशन का जो अमल है वो बेटा होगा। यहां से क्या होगा कि कुछ चीजें जो हैं वो वेस्ट यहां से निकलकर यहां आ जाएंगी डायलाइजिंग फ्लूइड में, और इस डायलाइजिंग फ्लूइड को दूसरे कैथेटर से खींच लिया जाएगा और यहां पर वेस्ट कंटेनिंग जो है बेटा वो लिक्विड आ जाएगा और जिसके अंदर ब्लड। ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, सारी सारी रात इसमें लग जाती है, लेकिन जो है ये सिस्टम इंस्टॉल करके रात को मरीज सो जाता बड़ी सुकून से, है ना, और सुबह तक उसकी डायलिसिस हो जाती है, ये आप देख रहे हो।
ठीक है ना, सुबह तक ये सारे का सारी जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा टफ मेथड होता है, ये यूजली हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये इस्तेमाल भी नहीं होता। बहरहाल ये जो डायलिसिस होते हैं इनसाइड द बॉडी जो है वो इस डायलिसिस मेथड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। चल आगे चलते हैं। फिर है उसके बाद लास्ट किडनी ट्रांसप्लांट। फाइनल हल यही है कि किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। अब ये आप डायग्राम देख रहे हो कि इसके अंदर नॉर्मल किडनी को नहीं छेड़ा गया बल्कि किडनी को लोअर एब्डोमेन में लगा दिया गया, ये पेल्विक पार्ट के पास, ठीक है ना। क्यों लगाया? फिर जो बच्चा सवाल पूछता है सर व्हाट अबाउट दी एड्रिनल ग्लैंड, ये कहां जाएगा? तो पहली बात तो इस किडनी जो ओरिजिनल किडनी होती है उसको नहीं छेड़ा जाता। क्यों नहीं छेड़ा जाता? उसकी कुछ साइंटिफिक लॉजिक्स हैं। पहली लॉजिक तो मैं ये आपको बता देता हूं कि बेटा वो ये है कि ये एड्रिनल ग्लैंड नहीं छेड़ना, क्योंकि ये किडनी हटाएंगे तो ये एड्रिनल ग्लैंड का बड़ा मसला बनेगा। इसके लिए ना मल्टीपल सर्जरी रिक्वायर्ड होगी अगर इस किडनी को यहां से हटाएंगे, एक से ज्यादा सर्जरी डॉक्टर को करनी पड़ेगी। पहले किडनी हटेगी, फिर ये जो है बेटा ये एड्रिनल ग्लैंड उसके ऊपर से निकाला जाएगा, फिर एड्रिनल ग्लैंड को यहां पर ग्राफ्ट किया जाएगा। ये बड़े इश्यूज होने के। यूजली जो किडनी फेलवर का मरीज होता है वो थोड़ा सा एज में ज्यादा होता है, मोस्टली वो ओल्ड एज होते हैं पर्सन, रेयर एग्जांपल्स को छोड़ के। तो उस केस में पता करता वो मल्टीपल सर्जरीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। तो इसलिए अवॉइड किया जाता कि भाई इस किडनी को यहीं पर रहने दो, नई किडनी नई जगह पर लगा दी जाए। और अक्सर उकात ये देखा गया है कि जो ओल्ड किडनी होती है ना वो बाज उकात 1%, 2%, 3% इवन 10% तक भी काम कर रही होती है, फेलवर के बावजूद भी कुछ ना कुछ परसेंटेज उसकी वर्किंग हो रही होती है, फिल्ट्रेशन कुछ ना कुछ वो कर रही होती है। तो डॉक्टर कहता है कुछ ना कुछ तो कर रही है ना, तो इसको इसकी जगह पर रहने दे। और नई किडनी जो डोनर से ली जाती है बेटा, उसमें बच्चा पूछता है सर ब्लड मैचिंग होती है? जी ब्लड मैचिंग होती है, टिश्यू मैचिंग होती है, जेनेटिकल मैचिंग होती है, वो चीजें मैचिंग की जाती हैं। फिर उसके बाद वो जो है बेटा वो किडनी जो है वो उस पर्सन से ली जाती है, एड्रिनल ग्लैंड उसका वहीं पर छोड़ दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा वो एक सिर्फ किडनी जो है वो उसमें लगाई जाती है। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड भी लेंगे, एक तो डोनर का लॉस है उसमें, उसका एड्रिनल ग्लैंड जो है उसकी जरूरत नहीं है, वो निकाल लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा एड्रिनल ग्लैंड यहां पर भी इश्यू पैदा करेगा क्योंकि इसको एड्रिनल ग्लैंड तो नहीं चाहिए। वैसे ही इम्यूनिटी इश्यू होता है जब किडनी डोनर से ली जाती है, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसको बोलते हैं टिश्यू रिजेक्शन, रिजेक्शन का बड़ा मसला होता है। तो इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले इस बंदे का इम्यून सिस्टम को सुप्रेस किया जाता है, और इवन उसके बाद भी कई महीनों तक कई सालों तक उसको इम्यूनो सुप्रेसेंट खिलाए जाते हैं जो कुव्वत मुदाफियत को कम करते हैं ताकि रिजेक्शन ना हो इस किडनी की, और ये किडनी बॉडी में आसानी से एक्सेप्टेबल कंडीशन के अंदर जो है बेटा वो आ जाए। बहरहाल यहां पर इसको ग्राफ्ट किया जाएगा, छोटा सा यूरिटर लगा के ब्लेडर में लगा देंगे और ये वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये बंदा एक किडनी से जो है बेटा वो रह सकता है, बट अब इसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपनी खुराक चेंज करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा ताकि ये किडनी ज्यादा अरसे तक जो है वो उसकी हेल्प कर सके और उस वर्किंग में जो है बेटा वो इस्तेमाल हो सके। यहां पर बेटे मेरा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया है। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।